मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ आर वुमेन एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है कि उन्हीं के डॉग सिर्फ बिगड़ रहे हैं। यू शो मी अ वुमेन हु इज अ चीट एंड आई विल शो यू हर टेरिटोरियल डॉग। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माइंड सेट की। वुल्फ्स के पैक में जो अल्फा होता है, जो पूरे के पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है, वो किस तरह के माइंडसेट में ऑपरेट करता है जो आप अपनाओगे। बहुत सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली जब आप अपने डॉग के साथ वॉक पे जाते हो। नंबर 1 पॉइंट इन माइंडसेट जो आपको अपनाना है फ्रॉम वुल्फ इज नॉट डोमिनेंस। इट्स ए लूज कॉन्सेप्ट जो हर कोई आजकल बोलता है, डोमिनेंस डोमिनेंस डोमिनेंस। इट्स नॉट डोमिनेंस, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वुल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे के पूरे ग्रुप की। अगर कोई थ्रेट है, ही इज द वन हु एंगेजेस फर्स्ट। अगर कहीं से भागना है, ही इज द वन हु मेक्स दैट डिसीजन। बहुत आसान है मेरे लिए डोमिनेंस प्रीच करना और एक एरोगेंट उल्लू के पट्टे की तरह घर में बिहेव करना कि मैं तो डोमिनेंट हूँ, मैं कोई बैड बिहेवियर अलाउड नहीं करता, ये सब कुछ। बट इफ आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं उस डॉग को वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ जो उसे चाहिए, देन मेरे डोमिनेंस का कुछ मतलब नहीं है। नो मैटर आपको कितना परफेक्टली ये पता है कि डोमिनेंस जरूरी है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आपकी डोमिनेंस उसके लिए टॉर्चर बन जाएगी। चाहे वो हो वॉक करवाना, वॉकर्स हायर मत करो, उसका बिहेवियर फिक्स करना। बिहेवियरिस्ट को अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन जॉइन मी, गेट द नॉलेज एंड फिक्स द डॉग्स बिहेवियर बाय योरसेल्फ। खुद उसके बिहेवियर पे काम करो। डॉग ट्रेनर कोई मुश्किल काम नहीं है, डॉग को ट्रिक सिखाना आप सिखा सकते हो खुद ब खुद। उस डॉग को सिर्फ आपको देखना है, लॉयल्टी सिर्फ आप उसके लिए पर्सन होने चाहिए जो उसकी विंडो है इस दुनिया की। ऐसा मानते हैं लोग, और ये बात कहीं हद तक सही भी है, दैट कि डॉग को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर आपके साथ कुछ होता है। सही बात है, ये बहुत सही बात है, लेकिन उस डॉग की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो डॉग रिएक्टिव अग्रेसिव आपके लिए ओवर पोजेसिव ना बने, इसके लिए आपको सबसे पहले उसे बताना ये जरूरी है कि उसकी तरफ किसी भी तरह का खतरा नहीं आने वाला, वो किसी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसने वाला। किसकी वजह से? आपकी वजह से। दिस मेक्स यू अ लीडर, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई अगर डोमिनेंट डॉग, कोई अग्रेसिव डॉग, कोई डॉग जो आपके डॉग के ऊपर चढ़ना चाहता है या उसे डोमिनेट कर रहा है, आप ऐसे डॉग से अपने डॉग को दूर रखो। क्योंकि अगर आप वो अलाउ करते हो, अगर आप दूसरे अल्फाज को अलाउ कर रहे हो अपने डॉग के साथ मिलने के लिए, इवन उसके पास आने के लिए, ये आपकी पोजीशन को एज दी अल्फा खतरे में डालता है। इन ह्यूमंस रिलेशनशिप देर आर ऑल्सो ड्यूटीज। जो आदमी है उसकी अपनी ड्यूटी है और जो लेडी है उसकी अपनी ड्यूटी है, और इन ड्यूटीज को जिस तरह से आप एज अ डॉग ओनर फॉलो कर रहे हो, इन एवरीथिंग ही नीड्स, दिस मेक्स यू एन अल्फा। नंबर 2 इज अथॉरिटी। एक अल्फा के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो नौकर नहीं है किसी के बाप का, उसके पास अथॉरिटी भी होती है। दिस बोथ आर लिंक्ड विद वन अनदर। अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा उठा रहे हो लेकिन अपने डॉग को नहीं बोल सकते हो कि क्या करना है एट टाइम्स, देन यू आर जस्ट अ सर्वेंट टू हिम। अगर आप सिर्फ उसे बोल रहे हो कि क्या करना है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो उसकी, तो आप क्या हो? देन यू आर अ डॉग अब्यूजर, राइट? और वाइफ अब्यूजर। बहुत बार क्या होता है कि आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो लेकिन उसे क्या करना है ये कोई और ही बता रहा है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिस इज। अगर मैं अपने डॉग को किसी डॉग वॉकर के पास भेज रहा हूँ कि वो उसे रोज वॉक करवाए, कितना टाइम लगेगा उस डॉग को कि वो मेरे लिए अपनी सारी की सारी रिस्पेक्ट को खो दे? ओ बट आपके डॉग के लिए अच्छा रहेगा, डज नॉट मैटर। मैंने उसे अपने पास इसलिए थोड़ी रखा है कि मुझे तो कोई सेवा करनी है, कि ग्रूमिंग के लिए आप ग्रूमर्स को हायर कर लो, वॉकिंग के लिए वॉकर्स को हायर कर लो। नहीं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फाइनेंशियली भी है, वो मैं उठा रहा हूँ, तो मुझे उसकी आंखों में देखनी है रिस्पेक्ट अपने प्रति फॉर बीइंग द टॉप डॉग। अगर मैं अलाउ कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो किसी और लड़के के साथ बात करें, कितना टाइम लगेगा उसे मुझे उसके साथ, उस लड़के के साथ कंपेयर करने के लिए? ओ तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो मुझे टाइम देता है, क्योंकि उसके पास कुछ और करने को है नहीं। माय डियर, इससे और बेसिक लेवल पे चले जाओ। अगर मैं अपनी गाड़ी अपने दोस्तों को देता हूँ चलाने के लिए, क्या वो उस गाड़ी को अच्छे से ध्यान से चलाएंगे? या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस रास्ते पे उसे लेके जा रहे हैं? एंड वुमेन हेट दिस, ओ तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। Then fuck off, bye। अगर मैं नहीं बोल सकता कि उसे क्या करना है, तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं कि उसके साथ क्या होने वाला है? फिजिकल अब्यूज, अगर मेरी सुननी नहीं है, देन क्यों, तो मैं अपने आप को रिस्क में क्यों डालूं तुझे बचाने के लिए?
बाय। और जब ये इंडिपेंडेंट फीमेल्स एक डॉग रेस करती हैं तो वो उस डॉग को भी कुछ नहीं बताती कि उसे क्या करना है, यही सोचती हैं सेम बातें कि वो आप तो उनकी कोई फ्रीडम ले लोगे। अगर आपने उस डॉग को बोल दिया कि बैठो चुपचाप, आपने तो उसकी फ्रीडम ले ली। ओह, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने डॉग के लिए। उस डॉग के साथ क्या होता है, कहीं वो गाड़ी के नीचे ना जाए, कहीं दूसरे डॉग्स उस पर अटैक ना कर दें, कहीं वो इतना बुरा डॉग बन जाए कि वो किसी के ऊपर अटैक ना कर दें। लेट्स से अ चाइल्ड, लेट्स से अ प्रेग्नेंट वुमन, उस डॉग को कुछ नहीं होने वाला है, होगा किसे, मुझे। हु विल गो टू द जेल, मी। किससे वो डॉग ले लिया जाएगा, मुझसे। बींग अ प्रोफेशनल, किसकी रेपुटेशन खराब होगी, मेरी। तो अगर इतने सारे रिस्क मैं उठा रहा हूं, देन आई शुड हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी कि वो डॉग क्या करता है और क्या वो नहीं करता है। और ये आप ट्रांसलेट करते हो जब आप उस डॉग को वॉक पे लेके जाते हो, आप तय करते हो कि कब वॉक पे जाना है। मेक श्योर इसका एक रूटीन है, ये ऐसा नहीं है कि भैया मेरा मन है मैं तो जाऊंगा ही नहीं, एक टाइम है उसका, उस टाइम पे आप जाते हो। यू मेक द कॉल, ऐसा नहीं है कि आपका डॉग आपके बेड पे जंप कर रहा है, आपको उठा रहा है वहां से जबरदस्ती और फिर आप उठते हो हु करते करते और उसे फिर वॉक पे लेके जाते हो। नहीं, यू मेक द कॉल, यू मेक द डिसीजन कि इस टाइम पे वॉक पे जाना है। आप डिसाइड करते हो कि कितना जाना है, मेक श्योर कि अच्छा खासा जाओ। आप डिसाइड करते हो कि किस स्पीड से आपको चलना है। आप डिसाइड करते हो कि कब वॉक खत्म हो रही है, कहाँ रुकना है। आप डिसाइड करते हो कि किस रास्ते पे आपको जाना है। आप जब आप अपने डॉग को लेके जाते हो तो आप जाते हो किसी रास्ते पे तो जाते ही हो, लेकिन अगर आप अपने घर से अपना माइंड प्रिपेयर करके एक मिशन की तरह जा रहे हो कि मैं तो इस रास्ते पे जाऊंगा, आपका बॉडी पॉस्चर, आपकी एनर्जी विल बी डिफरेंट। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये मेरी लॉजिक्स के बियॉन्ड है। आई नो आप सबको लगता है कि मैं चीज़ों को कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, आई नो दैट, बट दिस पॉइंट इज बियॉन्ड माई लॉजिक एंड दिस इज कॉल्ड सरेंडर। इट मेक्स नो सेंस कि आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल ले रहे हो, किसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हो बाय सरेंडरिंग टू इट। बट ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, एस्पेशली विद द डॉग। ऑब्वियसली आपने वो मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, वहां पे इस चीज को अच्छे से बताते हैं। My hands. It's not about your hands. How is this not about my hands? Master Hamir. Thank you, Master Hamir. You cannot beat a river into submission. You have to surrender to its current and use its power as your own. Well, I control it by surrendering control? That doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further. Surrender, Stephen. Silence your ego, and your power will rise. Surrendering means to stop the internal fight जो आपके अंदर चल रही होती है। अगर आप surrender के अलावा कुछ और emotion practice कर रहे हो, उस dog की responsibility लेते बारी, उस dog के ऊपर authority instill करती बारी, then आप एक हद तक जाओगे लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो connection आपको चाहिए दिमाग में, आपको पता है कि इस तरह का connection होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, right? क्योंकि आपके अपने अंदर internal fight बहुत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। लेट्स से आपका डॉग रिएक्ट करता है दूसरे डॉग की तरफ जब वो उसे देखता है। आपको पता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डॉग को प्रोटेक्ट करना, तो आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि वो दूसरा डॉग आपके के ज़्यादा पास नहीं आए क्योंकि आपका रिएक्ट करता है। सेकेंडली आपको पता है ये आपकी अथॉरिटी है उस डॉग के ऊपर, उसे बताना कि उसे क्या करना है, तो आप उसे करेक्ट कर रहे हो। ये हो गई दो चीज़ें। नाउ यू सरेंडर। कुछ भी चेंज नहीं होता है, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो वो चेंज नहीं होता है। जस्ट दैट आप क्या होने वाला है या क्या हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, उसके लिए यू फील सरेंडर टू इट। जो भी सिचुएशंस है आप एम्ब्रेस करते हो उसे, जो भी प्रॉब्लम्स है आप एम्ब्रेस करते हो उसे, आप उसे देखते हो एक बिगर पिक्चर। डेस्टिनी जो है आपकी, जो फ्यूचर है, वहां तक पहुंचने के लिए आप उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को, जिसको पहले आप एक ऑब्स्टिकल की तरह समझ रहे थे कि इसके पार तो मैं जा ही नहीं सकता, ये मेरा डॉग इस तरह से बिहेव करता है इसकी वजह से मैं तो इसको वॉक पे ले ही नहीं जा सकता, इन थॉट्स को अपने अंदर एनफोर्स करने की जगह आपको पता है आइडियली क्या होना चाहिए कि आपका डॉग रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो सो यू सरेंडर टू इट। उसके बाद जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं
प्रेजेंट में एक ये वो रिएक्ट करता है, आप उसे करेक्ट करना पड़ रहा है, आप उसे वॉक पे ले जा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा काम है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, यू सरेंडर टू ऑल ऑफ दैट, राइट। जब आप ऐसा करते हो तो जो आपके एक्शंस हैं वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और वन मोर पॉइंट, आई नो ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो रहा है, प्लीज़ बेयर विद मी, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप सुन रहे हो। आपको अपने एक्शंस को सबसे पहले ध्यान से देखना है कि जो आप जिस तरह से आप एक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप करेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप वॉक कर रहे हो, कहीं वो गलत तो नहीं है, तरीका ही गलत तो नहीं है। आप इन एक्शन लेजीनेस वॉक पे नहीं जा रहे, अब करो सरेंडर, इस तरह से काम नहीं चलता। सही एक्शन जो करना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, ये समझ के नॉलेज लो अच्छे से, समझो कि किस तरह से चीज़ें काम करती है, एंड देन यू सरेंडर। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो आप एक्शंस लोगे वो 10 times ज़्यादा पावरफुल होंगे, बजाय के एक्शंस लेते हुए ईगो रखना कि मैं कर रहा हूँ, या फिर इंटरनल फाइट मेंटेन रखना। तो जब भी आप अपने डॉग के साथ वॉक पे जा रहे हो रोज़, आपको सिर्फ ये 3 शब्द याद रखने, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड सरेंडर। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो एक परफेक्ट माइंडसेट फॉर्म होगा आपका। डॉग के लिए तो होगा ही, आप उस डॉग के साथ उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपकी ये लाइफ पे जिस तरह से इफेक्ट करेगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट्स सेक्शन, राइट, कि आपके पर्सपेक्टिव में किस तरह से चेंज आया। अब रुको, अब बताता हूँ कि इन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डॉग को वॉक करवाओ हर रोज 45 मिनट्स, अगर आपका डॉग थोड़ा मीडियम एनर्जी डॉग है, और अगर उसे ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो प्रोवाइड करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखो। अनस्टेबल एनर्जी जो डॉग्स चार्ज कर रहे हैं आपके डॉग के ऊपर, उन्हें मेक श्योर अपने डॉग के पास मत आने दो। ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग हर किसी डॉग के साथ फ्रेंडली हो, जिसके साथ उसे फ्रेंडली होना ठीक लगता है लेट हिम बी, और जो डॉग्स उसके ऊपर चार्ज करते हैं उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें दूर रखो। अपने साथ एक लकड़ एक स्टिक कैरी किया करो जो आपको यह करने में हेल्प करेगी, कोई पाप नहीं है उसमें। थर्डली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वॉक के बाद उस डॉग को एक अच्छी सी मील देना, शिकार की आप दोनों ने मिलकर सुबह सुबह जाके। सेकेंड इज अथॉरिटी, आप बताते हो क्या करना है और क्या नहीं, आप डिसीजन मेकर हो। द बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो अथॉरिटी एनफोर्स करने के लिए ड्यूरिंग वॉक इज उस डॉग को अपने आगे कभी नहीं होने देना। लेट्स से आपने बॉल फेंकी, ओके जाने दो उसे आगे, चलो एक्सप्लोर टाइम है उस डॉग का, चलो उसे जाने दो आगे। लेकिन जब आप जा रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मेक श्योर वो डॉग या तो आपके साथ है या तो आपके पीछे चल रहा है, कभी भी आपके आगे नहीं। जो लीडर होता है, जो अल्फा होता है, वो सबसे आगे चलता है, बाकी का जो ग्रुप होता है वो उसके पीछे चलता है। ही कंट्रोल्स, वो बताता है कि कहाँ जाना है, किस जानवर को पकड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कब भागना है सिचुएशन से। करेक्टिंग बैड बिहेवियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अथॉरिटी, आपका ये हक है उसे बताना कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर वो बैडली रिएक्ट कर रहा है दूसरे डॉग की तरफ, मेक श्योर आपको पता है कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, और आपको पता है कि अगर आपके डॉग की ये गलती है तो मेक श्योर आप उसे करेक्ट करो। थर्डली इज सरेंडर, ये आप कर सकते हो, अगर आपको कोई मेडिटेशन करनी है तो वो कर लो, लेकिन एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किया है कि बहुत सारे लोग जब सांस लेते हैं, हैबिट पड़ती है जो मुझे भी है अभी भी, और मैं उस पर काम करता हूँ रोज़, मैं कॉन्शियस रहता हूँ कि जब वो सांस लेते हैं तो वो इस तरह से सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पेट को अंदर प्रेस करते हैं सांस लेती बारी, जो कि गलत है, जो मैंने एक वीडियो पे अच्छे से कवर किया है। आपको अपने पेट को बाहर निकालना है जब आप सांस अंदर लेते हो, और उस पेट को अंदर करना है जब आप सांस छोड़ते हो। यहाँ पे हमारे डायफ्राम लगा होता है जो एक्सपेंड होता है, लेकिन जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हो पेट को सिकुड़ के रख के और सिर्फ अपनी लंग्स को एक्सपेंड करके, तो ये डायफ्राम एक्सपेंड नहीं होता है, जो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन रखता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को बंद रखता है, जिससे कि आपके डॉग को लगता है कि बाहर कोई खतरा है, और वो डॉग भी उस खतरे को सेंस करके अपना रिएक्टिविटी दिखाता है, और नो मैटर आप कितना उसके साथ प्रैक्टिस करो वो कभी भी नहीं शांत होगा, क्योंकि उसे आपसे ये सिग्नल मिल रहा है कि भैया फाइट और फ्लाइट है, तो किस तरह से वो शांत हो सकता है। सो दैट्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको सरेंडर एक्सपीरियंस करने के लिए मदद करेगी। ये 3 चीज़ें, प्लीज़ वीडियो को वापस देखो अगर आप देखना चाहते हो तो, ये 3 चीज़ें आपका एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट फॉर्म करेगी, स्पेशली विद द डॉग जब आप उसे वॉक पे लेके जा रहे हो, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हो। अगर आपके पास 2-3 डॉग है तो और बेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर अथॉरिटी ओवर देम, एंड देन यू सरेंडर।
ये तीनों चीजें मैं हर बार सोचता हूं जब अपने डॉग के साथ बाहर होता हूं। ये तीनों चीजें आगे हर एक चीज जो ये अलग अलग वीडियोस आने वाली हैं आगे अबाउट स्ट्रक्चर अबाउट टेक्निक्स, ये तीनों चीजें आगे कैरी आउट होंगी। मैं हमेशा इसे कैरी आउट करता हूं अपने साथ। और अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अपने डॉग के साथ तो ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड सरेंडर आपको भी सीरियसली लेना है। अदरवाइज देयर इज नो वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।